सच्चा प्यार कैसे पहचाने, इसके बारे में मैं आज आपसे बातचीत करने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तज्ञ हूँ। एक लड़की मेरे पास में है अप्रॉक्सीमेटली 23 साल की, और वो बोले कि मुझे कश्मकश है, मैं जिसके साथ मैं प्यार करती हूँ मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि ये सक्सेसफुल होऊंगा नहीं होऊंगा, वो कभी बोलता है शादी करूंगा नहीं करूंगा, तो मैंने क्या करना चाहिए फ्यूचर में, और अभी बहुत डिस्टर्ब हूँ मैं उसके वजह से। तो मैंने ठीक है बात करते हैं। तो उसके साथ में जब मैंने बात किया तब मुझे ऐसा पता चला कि भाई ये प्यार सच्ची नहीं है। तो ऐसा जब मैंने उसको बोला कि आपके बोलने से ऐसा मुझे लगता है कि प्यार सच्चा नहीं है, तो उसने बोला ऐसा आपको क्यों लगता है। मैंने देखो एक आपको मैं 6 टेस्ट बताता हूँ, वो कि अल्टीमेट टेस्ट नहीं है, वो एक मेरी कल्पना है, और वो यदि टेस्ट में वो पास होता है तो समझो कि आप कि उसका प्यार सच्चा प्यार है, अदरवाइज नहीं है। बोले बताइए। मतलब देखो कि पहले ये आप देखिए कि उसके साथ में जब आप रहते हैं तो आप रिलैक्स महसूस करते हैं कि टेंशन में रहते हैं, आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे इसकी जो कंपनी है वो अच्छी लगती है, और मुझे ऐसा लगता है कि नहीं उसके साथ में मैंने रहना चाहिए, कि ऐसा लगता है कि चलो जल्दी निकल गए तो अच्छा है, क्या बहुत प्रेशराइज करता है, बहुत टेंशन देता है ये, पहली टेस्ट। नंबर दो, आपकी वो केयर लेता है क्या, छोटी छोटी बात कुछ भी होगी तो आपको केयर लेता है कि नहीं लेता है। यदि आपका बिल्कुल ही केयर नहीं करता है तो फिर एक प्रॉब्लम है, आपको कुछ दुख हो गया, आपको कुछ एक चिट्ठी भी काट लिया तो उसको दुख होता है क्या, उसको इतना दुख लगता है कि समझना सच्चा प्यार है। तीसरी कि आपको वो अंडरस्टैंड करता है क्या, समझ लेता है क्या कि छोटी छोटी बात के ऊपर आपका झगड़ा हो जाता है, आज क्या कॉल ही नहीं उठाया, परसों क्या मेरे तरफ देखा ही नहीं या मुझे कॉल बैक नहीं किया, नरसों क्या और कुछ तो भी, मतलब छोटी छोटी बात के ऊपर बहुत डिमांडिंग नेचर है और अंडरस्टैंड नहीं करता है, तो वो आपको देखना पड़ेगा कि वैसा है क्या। फिर नेक्स्ट भाई आप मतलब वो आप उसको देते हैं कि आप लेते हैं उससे, मतलब वो देने के लिए उत्सुक है कि लेने के लिए उत्सुक है। मतलब ऐसा है कि कोई व्यक्ति आपसे लेना चाहता है कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ, तो समझना चाहिए कि उसका प्यार नहीं है, वो तो लेना चाहता है सिर्फ, मतलब वो चाहता है कि भाई मुझे आपका समय होना या कुछ पैसे मिलते हैं तो पैसे ले रहा, वो लड़का होगा या लड़की होंगी कि लड़की समझो है, और सिर्फ पैसे के लिए साथ में आ रही है, घूमने फिरने मिलता है, बाइक के ऊपर घूम रहे, होटलिंग कर रहे, और ये अपना बॉयफ्रेंड अपने ऊपर पैसा खर्चा कर रहा है, तो दे रहा है कि ले रहा है वो आपको देखना चाहिए। कुछ लोग सिर्फ देने में रहते हैं, समझे आपने देना बंद कर दिया तो क्या दोस्ती खत्म हो जाएगी, तो वो आपको देखना चाहिए कि ऐसा है क्या। फिर नेक्स्ट ये आपसे झूठ बोलता है क्या, मतलब आपको शक आता है कि नहीं ये झूठ बोलता है मेरे से, मतलब कभी बोलेगा कॉल आया तो बोलेगा कॉल आया नहीं, व्हाट्सएप मैसेज देखा है तो बोलेंगे देखा ही नहीं मैसेज, या कहीं आपको मालूम पड़ता है कि वो वहाँ फलाने फलाने जगह पे था, बाद में वो मालूम पड़ा कि वो बोलता है कि मैं वहाँ गया ही नहीं है, ऐसा कुछ से भी आपको समझ में आ रहा है कि झूठ बोल रहा है, तो ये कार्यक्रम प्रॉब्लमेटिक है। नेक्स्ट छठवां पॉइंट कि आपसे वो सेक्स की डिमांड करता है क्या, मैं लड़की को पूछा सेक्स के लिए वो उत्सुक रहता है क्या, कि नहीं सेक्स होना चाहिए, सेक्स की डिमांड करता है क्या, नहीं तो फिर गुस्सा करना, मतलब वो आपके साथ में सिर्फ सेक्स के लिए आ रहा है। तो जब ये मैंने उसको पॉइंट बताया तो बोले कि नहीं मुझे ऐसा लगता है कि वो कोई उसका सच्ची प्यार है नहीं। तो मैंने फिर सच्ची प्यार नहीं आपको लगता है ऐसा, तो फिर क्यों आगे बढ़ती है, आपने देखना चाहिए, क्योंकि आजकल का ज़माना ऐसा हुआ है कि बस लोगों को बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड मतलब एक स्टेटस सिंबल है, गर्लफ्रेंड नहीं है बॉयफ्रेंड नहीं है मतलब कोई तो भी आप बहुत ही पिछड़े हुए व्यक्ति, ऐसा लगता है लोगों को। फेसबुक ने बहुत सारे नवीन दोस्त बना लिए, 5,000 दोस्त लोगों को है, YouTube के ऊपर बहुत सारे वीडियोस देखने मिलते हैं जिससे उनकी काम वासना जागृत हो जाती है, पॉर्न वीडियोज है वो देख के काम वासना जागृत हो जाती है, फिर TV के सीरियल हम देखते रहते हैं वहाँ काफ़ी सीरियल में चालू रहता है, मतलब इतने सारे मटेरियल है, प्रिंट मीडिया है ना, डिजिटल मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है जिसके ऊपर इसके बारे में बातचीत होती रहती है, अबंडेंस में अवेलेबल है, ईजी कनेक्टिविटी है, तो फिर ये होना स्वाभाविक है। मैं कोई लड़कों के क्लास में या लड़कों के इसमें जाता हूँ लेक्चर के लिए, उनको पूछता हूँ कितने लोगों को गर्लफ्रेंड है, तो आधे से ज़्यादा लोगों को हाथ ऊपर हो जाते हैं। अभी स्कूल में तो मतलब कॉलेज में तो छोड़ ही दो, अभी स्कूल में भी 9th-10th standard के लोगों मतलब बच्चों में भी उनके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, और उनके ऐसा लगता है कि वो मतलब आसपास में रहते हैं, आसपास में मतलब रह के बातचीत करते प्यार करते रहते हैं, मोबाइल तभी उनको मिल ही जाता है, तो ये प्रॉब्लमेटिक हो चुका है। तभी लड़कियों ने और या लड़कों ने दोनों ने भी देखना चाहिए कि प्यार सच्चा है कि नहीं। तो मैं कुछ पॉइंट फिर से दोहराता हूँ। नंबर एक,
कि वो अंडरस्टैंड करता है कि नहीं, केयर लेता है कि नहीं, उसके कंपनी में आपको अच्छा लगता है क्या, रिलैक्स लगता है क्या, देने वाला है कि लेने वाला है, झूठ बोलता है क्या, सेक्स की डिमांड करता है, मतलब ये यदि प्रॉब्लम्स है ऐसे, और इसके ऊपर यदि ये टेस्ट के ऊपर वो ना करके आपका जवाब आता है कि नहीं ऐसा नहीं है, ये सब मतलब नहीं होता है, तो फिर समझना कि प्यार है, और है सब ये, केयर लेता नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ये सब हाँ है, तो समझना प्यार सच्चा नहीं है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर शेयर करो, आपके जो पार्टनर है उनको शेयर करो, तो उनको समझ में आ गया कि भाई आगे बढ़ना कि नहीं बढ़ना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you very much.